रोमियो टाइप समझता है और उसको लगता है वो जो बोल रहा है बस लड़की को पसंद ही आ जाएगा, उल्टा होता है उसका हमेशा, बट ही डजंट गिव अप। एंड हाँ, जैसा कि रिचा ने कहा, इट है द फिल्म हैज अ पल्प फील, बट इट इज मोर टू पे अ ट्रिब्यूट टू यू नो द फिल्म ऑफ द योर 70s 80s लाइक शी सेड। एंड म्यूजिक काफी अप्रिशिएट हो रहा है, सो आई थिंक वी मस्ट हैव गॉट इट राइट एट सम लेवल। एंड बट यस, डिस्पाइट ऑल दिस, इट्स द लव स्टोरी इज वेरी वेरी न्यू इन द सेंस दैट इट इज इट, जैसे आई डोंट नो रेडियो शो है बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन दो कमीनों की लव स्टोरी है। हमने ज्यादातर देखी नहीं, तो पिक्चर का टाइटल था यार, हमने ज्यादा देखी नहीं है ऐसे लोगों की लव स्टोरीज। ये एक दूसरे पे ही नहीं भरोसा कर सकते, प्यार क्या करेंगे, लेकिन फिर भी होता है। और देखिए आप, काफी इंटरेस्टिंग, कह सकते वो एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं तो एंड में क्या होता है, ट्रस्ट, मतलब वैसा वाला ट्रस्ट नहीं कि तुम किससे बात कर रहे थे, तुम कहां गए थे। जैसे ट्रेलर में फर्स्ट शॉट है, दोनों एक दूसरे पे बंदूक ताने हैं, वैसा वाला नहीं। पर कोई भी अपने फायदे के लिए एक दूसरे को कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि इनकी फितरत ही ऐसी है, क्रिमिनल्स हैं, कोई अच्छा तो सोचते नहीं, अच्छा करते नहीं। लोग डाका डालते हैं, बैंक लूटते हैं, चोरियां करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, तो इस किस्म के इंसान कभी भी एक दूसरे को भी दे सकते हैं। सो या एंड देखने के लिए 10 अक्टूबर जल्दी आ रहा है, आप 10 अक्टूबर को फिल्म देखिए, आपको एंड अपने आप पता चल जाएगा। टिकट खरीद के, ऑफ कोर्स, पर उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि देखिए निखिल, इससे पहले हमने आपको मणिरत्नम के साथ काम करते हुए देखा, मणिरत्नम की फिल्म में भी आप एक गैंगस्टर के साथ काम कर रहे थे, दैट वाज अभिषेक का जो कैरेक्टर था जी, यू वर वर्किंग विद हिम इन नो, आई वाज ऑपोजिट हिम एक्चुअली, मैं आई वाज प्लेइंग यू वर इन विक्रम्स, आई वाज प्लेइंग अ कॉप, आई वाज प्लेइंग लक्ष्मण इन द रामायण, सो हां पुलिस अंडरकवर कॉप होके वहां पे उसके पास है। सो एक तो मणिरत्नम का स्टाइल ऑफ जी डायरेक्शन है जी, व्हाटएवर रोल यू वांट टू डू, बट पर्सनली आपको सबसे ज्यादा मजा क्या करने में आया, तमंचे या वाज इट रावण और वाज इट एंथनी? सर्टेनली तमंचे, क्योंकि तमंचे का किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जस्ट सी, एक गैंगस्टर है और लव स्टोरी है, डिस्पाइट कुछ भी तो अच्छा नहीं करता, सब कुछ कानून के दायरे के बाहर है, ही डज ऑल दोस थिंग्स जिसकी सोसाइटी परमिशन नहीं देती, येट ही हैज टू बी एंडियरिंग, ही हैज टू बी लाइकेबल, क्योंकि बोथ टू द ऑडियंस एंड टू द गर्ल दैट ही इज ट्राइंग टू वू, दैट बिकम्स चैलेंजिंग। जब आप अच्छे कोई काम ही नहीं कर रहे, उसके बाद जनता आपको पसंद क्यों करेगी, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ ऐसा करना कि लोग आपकी लव स्टोरी को रूट करने लगे और बोले नहीं यार ये जो कर रहा है सही कर रहा है, लड़की इसको मिलनी चाहिए कुछ भी करके, वो कभी कभी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। मैंने कोशिश तो पूरी की है, एंड जिसने भी फिल्म देखी है उनको लगता है कि भाई हम लोग खड़े उतरे, लव स्टोरी इज वर्किंग, सो या होपिंग फॉर दैट। You know, I told Nikhil also, जब ये लॉन्च किया गया था, सलमान खान ने लॉन्च किया था, मैंने कहा था मुझे लगता है this is going to be one up on प्यार में, and that's exactly what happened in दिलदारा, what a surprise. Yeah. सोनू ने यहाँ पे आगे लॉन्च किया, उसे people are loving the song. अरे वाह। तो कमिंग बैक टू इन द क्लब, आपको पता है कितनी सारी लड़कियों ने आके मेरे कान में एक बात कही, क्या? Have you seen Richa Chaddha's legs in the club? They're so hot. I'm very happy with my Punjabi muscular athletic legs. No, they found it very hot. No, Punjabi. No, मैं खुश हूँ इस बात से, मुझे नहीं लगता है लड़कियों के skinny legs होने चाहिए, थोड़े muscular होने चाहिए legs. बिल्कुल बिल्कुल. ये बताओ तुम वर्कआउट वगैरह कर रही हो आजकल? कोशिश तो जारी है पर टाइम नहीं मिलता, मैं 36 घंटे से उठी हुई हूँ अभी. Right. So, निखिल और रिचा, यहाँ पे तमंचे की बात जो हो रही है, जी. तमंचे जो ये फिल्म है, इसे देखने जब हमारे रेडियो मिर्ची के लिसनर्स जाएंगे ना,